हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 27 मई। तो 27 मई के आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आप लोग इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 26 मई की करंट अफेयर्स पढ़े थे तो लास्ट में आपको टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। सो देखिए, कल का आपका टेस्ट था कि जगमोहन रेड्डी किस देश के सीएम बने हैं। तो जगमोहन रेड्डी हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। ए ऑप्शन सही है आपका, और काफी स्टूडेंट ने इसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में भी बताया था, प्लस जगमोहन रेड्डी, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर सही दिया था आपने, और इनसे पहले कौन थे वो भी बताया था आप लोगों ने। और जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा है कि करंट अफेयर्स का बहुत ही वेटेज होता है आपके एग्जाम्स में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर लर्न करने का ये बेस्ट वे होता है कि आप लोग डिटेल में आंसर दिया करें, ठीक है। और देखिए, श्री एजुकेशन हमारे चैनल पर यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आपका एग्जाम होने वाला है जून में, प्रीलिम्स होने वाला है, उसके बाद सितंबर में के करीब आपका मेंस होने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं। और अगर आप लोग 2020 में पेपर देने वाले हैं तो कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, सारी स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सब कुछ बताया जाए आपको डिटेल में। और जो आपके यूपीएससी के एग्जाम आने वाले हैं आईएएस के, उसमें प्रीलिम्स के, उसके लिए आपको जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन सीरीज तो चल ही रही है, आपको क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं। प्लस चैनल पर जाइए, वहां पर बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंडल जो दिवस है ये 24 मई को सेलिब्रेट किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय मंडल दिवस आए या फिर लिखा है इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ डे, तो सेम बात है, 24 मई को सेलिब्रेट किया गया ये दिन। और अगर ये दिन 2019 में सेलिब्रेट किया गया तो आपको इसका थीम याद रखना होगा। तो इसका थीम है अ कनेक्टेड कॉमनवेल्थ। थीम क्या है? अ कनेक्टेड कॉमनवेल्थ। देखिए, ये जो दिन है ना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस, ये सिर्फ भारत में 24 मई को मनाया जाता है, और पूरे बाकी देशों में ये जो दिन है ये मार्च के दूसरा सोमवार जो होता है तब मनाया जाता है, बट हमारे इंडिया में इसे 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए, इस दिन को मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो इस दिन को मनाए जाने की जो घोषणा है वो 1958 में की गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बट जैसा कि मैं आपको डेली ही करवाती हूँ कि मई के मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो उसका एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे। थीम आपको याद रखना ही है, आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए ही होंगे, उसमें से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको याद रखना है मई के मंथ में फर्स्ट मई को 3 दिन सेलिब्रेट किए गए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। 2 मई याद रखना है, तो 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट 3 मई भी याद रखना है आपको, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, और 3 मई को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट 4 मई भी आपको याद रखना है, तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशम दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट किया गया है, और 4 मई को ही कोयला खदान श्रमिक दिवस भी मनाया गया है। 5 मई याद रखेंगे नेक्स्ट, तो 5 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट किया गया, और 7 मई नेक्स्ट याद रखना, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, अस्थमा जो बीमारी है उससे रिलेटेड लोगों को जागरूक करने के लिए। 8 मई भी याद रखना है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया गया है। 11 मई याद रखना है, तो 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है।
12 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट आपको 15 मई याद रखना है, तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। 16 मई आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 17 मई भी पता होना चाहिए, तो 17 मई को विश्व दूर संचार सूचना समाज दिवस मनाया गया है और 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया गया है। 18 मई भी याद रखना, तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। 20 मई नेक्स्ट याद रखना, तो 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया है। 21 मई नेक्स्ट है आपका, तो 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया और 22 मई भी याद रखना है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई इंपॉर्टेंट होगा उसके बाद, तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, ठीक है। और 24 मई मैंने आपको बता दिया अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए हैं मई के मंथ में। लास्ट में मंथ खत्म होने के बाद आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा ही दिया जाता है, थीम के साथ पीडीएफ आप लोग संभाल के रखा करें, चाहे तो आप लोग उसका प्रिंट करवा के रख लिया करें, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण टैंक को हरी झंडी दिखाई है, तो उनका नाम है के सिवन। डी ऑप्शन सही है। देखिए जो के सिवन जी है ना, ये कौन है सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो के सिवन ये इसरो के अध्यक्ष हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं ये, और इन्होंने हाल ही में सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण टैंक को हरी झंडी दिखाई है। इन्होंने ये हरी झंडी कहां से दिखाई है, तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से ये हरी झंडी दिखाई गई है। और देखिए ये जो तरल हाइड्रोजन का उपयोग है ना, ये सैटेलाइट लॉन्च वाहनों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है इसका यूज। इसरो के बारे में पता चाहिए, इसरो ने इसरो के अध्यक्ष हैं ये के सिवन। तो इसरो के फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इंडियो के इसरो के जो संस्थापक है उनका नाम है विक्रम साराभाई। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है और इसरो के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है डॉक्टर के सिवान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। मैंने जैसे कि कहा आपको कि आंध्र प्रदेश से हरी झंडी दिखाई है के सिवान जी ने, तो आंध्र प्रदेश के बारे में पता चाहिए, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है YS जगमोहन सिंह और गवर्नर ESS नरसिम्हा और आंध्र प्रदेश के जो अंदर राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा की सीटें 25, विधानसभा की सीटें 175। आंध्र प्रदेश का फोक डांस पता होना चाहिए, तो फोक डांस है कुचिपुड़ी और नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में TAFE ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो हाल ही में TAFE ये एक ट्रैक्टर कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। तो इस कंपनी ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अक्षय कुमार को। बॉलीवुड एक्टर है अक्षय कुमार, जानते ही आप लोग, पिक्चर दिखाने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, पता ही है आपको। देखिए जो अक्षय कुमार है ये हाल ही में TAFE के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और जो TAFE कंपनी है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट कंपनी, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है। इस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए TAFE इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है और इसके जो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनका नाम है मल्लिका श्री निवासन। CEO का नाम याद रखना है। सो नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका कि माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है प्रियंका मोहते। जो पिक्चर में दिख रही है प्रियंका मोहते, इन्होंने हाल ही में माउंट मकालू पर चढ़ाई की है और ये माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यहाँ पर आपको प्रियंका मोहते के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जो प्रियंका मोहते हैं ये महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के अंदर सतारा से हैं, ठीक है, और इन्होंने हाल ही में माउंट मकालू पर चढ़ाई की है और इससे पहले इन्होंने 2013 में विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई की थी। आपको यहाँ पर माउंट मकालू के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जो माउंट मकालू है ये
विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग 8,485 मीटर है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, माउंट मकालू की। सो अगला आज का करंट अफेयर है कि हाल ही में किसे जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार दिया गया है, यानी कि किन्होंने जीता है। तो जो जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार है ये हाल ही में अंकुर पटवर्धन ने जीता है, जो पिक्चर में दिखाई है अंकुर पटवर्धन, डॉक्टर अंकुर पटवर्धन नाम है इनका, इन्होंने हाल ही में जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार जीता है। और ये कहाँ के हैं, तो ये पुणे के वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया, तो इनकी एक परियोजना है, परियोजना का नाम याद रखिए, परियोजना का नाम है परागण और पारिस्थितिक तंत्र के लिए स्वास्थ्य की तितली आकर्षण, ठीक है, ये इनकी परियोजना है, परियोजना का पूरा नाम है परागण और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए तितली आकर्षण, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार, और इन्होंने ये पुरस्कार जीता है तो इन्हें इस पुरस्कार के साथ साथ $25,000 का कैश प्राइज भी दिया जाएगा इनाम के तौर पर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें ये जर्मन पुरस्कार दिया जा रहा है, तो जर्मनी के बारे में पता चाहिए, यहाँ पर जर्मनी इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जर्मनी से रिलेटेड। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका कि हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का आधिकारिक रूप से उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का आधिकारिक रूप से जो उद्घाटन है इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये क्या है, तो ये इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक शाखा है, और इसका उद्घाटन किन्होंने किया है, तो इसरो के जो सलाहकार है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसरो के बारे में मैं बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि हाल ही में जारी आईसीसी वनडे ऑलराउंडरों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर हैं, तो आईसीसी की वनडे ऑलराउंडरों की रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं शाकिब अल हसन, सी ऑप्शन सही है आपका, और शाकिब अल हसन ये कहाँ के हैं, तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, ठीक है, और अगर शाकिब हसन पहले स्थान पर है बांग्लादेश के क्रिकेटर, तो सेकंड और थर्ड रैंकिंग भी पता आना चाहिए, तो सेकंड रैंकिंग पे है राशिद खान और थर्ड रैंकिंग पे है मोहम्मद नबी, तीन रैंकिंग याद रखनी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है शाकिब अल हसन जी, आईसीसी के बारे में पता नहीं, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई है। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो यूएई के अंदर दुबई में है, और आईसीसी के चेयरपर्सन है शांत मनोहर और सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में किसने जुआन मीरो पुरस्कार 2019 जीता है, तो उनका नाम है नलिनी मालिनी, बी ऑप्शन सही है, इन्होंने हाल ही में जुआन मीरो पुरस्कार 2019 जीता है। नलिनी मालिनी कौन है, तो ये भारतीय कलाकार हैं, और ये इस पुरस्कार को पाने वाली ना सातवीं व्यक्ति और पहली भारतीय है, ठीक है, यानी कि जॉन मीरो पुरस्कार जीतने वाली ये सातवीं व्यक्ति हैं ओवरऑल वर्ल्ड में से और पहली भारतीय हैं। और देखिए इस पुरस्कार का जो नाम रखा गया है जॉन मीरो पुरस्कार, ये किसके नाम पर रखा गया, तो स्पेन के एक चित्रकार और मूर्तिकार थे जॉन मीरो, उनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम भी रखा गया। और इस पुरस्कार के जो विजेता होते हैं ना उन्हें पुरस्कार के साथ साथ $70,000 यानी कि लगभग 54.5 लाख रुपीस दिए जाते हैं कैश प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दक्षिण सूडान के राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में हाल ही में सलेश तिनिकर को नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल सलेश तिनिकर को नियुक्त किया गया है फोर्स कमांडर के रूप में, और इनकी नियुक्ति किन्होंने की है, तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है दक्षिण सूडान की यूएन मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में, ठीक है। और सलेश तिनिकर कौन है, तो ये भारतीय सेना के अधिकारी है, इंपॉर्टेंट बात है ये आपको याद रख। सूडान के बारे में आपको पता चाहिए, यहाँ पर साउथ सूडान, इसकी कैपिटल है जुबा, करेंसी है साउथ सूडानिश पाउंड, और प्रेजिडेंट है सल्वा किर मायाडिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत और किस देश की सेना के बीच बॉर्डर पर्सनल मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो भारत और चीन की सीमा देश की सेना के बीच में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग का आयोजन किया गया है, डी ऑप्शन सही है आपका। ये मीटिंग कहाँ पर बिठाई गई है, तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख में किया गया है, सीमा जो क्षेत्र है हमारे
उनकी शांति बनाए रखने के लिए, संबंधों को बेहतर करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। चीन के बारे में बताती हूँ, यहाँ पर चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रीन में भी प्रेजेंट है शी जिनपिंग। अगला करंट अफेयर आपका आज का, हाल ही में किस देश ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे पहले तो पता नहीं कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश क्या है, तो ये बांग्लादेश की एक आतंकवादी संगठन कंपनी है जिस पर हाल ही में भारत ने रोक लगाई है। सी ऑप्शन सही है। देखिए ये संगठन क्या करता है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने का कार्य करता है, पर भारत तो इस सब के खिलाफ है, तो इसलिए भारत ने इस पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर बांग्लादेश, इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेजिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी बांग्लादेश से रिलेटेड। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में विनया वांगा वेनेना का निधन हो गया और आपको बताना कि वो कौन थे। तो विनया वांगा वेनेना ये एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये ऑप्शन सही है। 48 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, ये है लेखक, ये कहाँ गया, तो ये केन्या के बहुत ही फेमस राइटर। और देखिए इन्हें ना 2014 में टाइम मैगजीन्स के द्वारा 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया था, और इन्हें 2002 में इनका एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम है डिस्कवरी होम, उसके लिए काइंड पुरस्कार भी जीता है इन्होंने। ये काइंड पुरस्कार आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। और ये केन्या के हैं, तो केन्या के बारे में पता चाहिए, यहाँ पर केन्या की कैपिटल नैरोबी, करेंसी केन्यान शिलिंग और प्रेजिडेंट है यूरु मुगेई केन्याटा। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं केन्या से रिलेटेड जो कि आपको याद रखनी थी। सो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी करंट अफेयर से रिलेटेड, आज के करंट अफेयर थे ये। और जैसे कि स्टार्टिंग में कह चुकी हूँ आपको कि लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा, तो आपका टेस्ट है कौन अब तक सबसे युवा लोकसभा सांसद बन गए हैं, उनका नाम बताना है इन चार ऑप्शन में से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। और देखिए लोकसभा इलेक्शन 2019 से रिलेटेड जितने मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे सब आप लोग रिपीट कर दीजिए ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ और चैनल पर जरूर जाइए, आपको अच्छे अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक यू।